गर्मी के मौसम में हम सभी के घर में ज्यादातर खाना फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है गर्मी की वजह से काफी ज्यादा खाना खराब हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि फ्रूट्स को फ्रिज में हम रख सकते हैं, पर कटे हुए फ्रूट को फ्रिज में रखने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? बात करते हैं इस वीडियो में, वाटरमेलन को अगर हम कटा हुआ फ्रिज में रख दें तो क्या आप उसको खा सकते हैं? आपको बता दें कि वाटरमेलन अगर फ्रिज में काफी देर तक पड़ा रहता है तो उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूड पॉइजनिंग प्रमोट करता है। अगर काफी देर से वाटरमेलन आपके फ्रिज में पड़ा है और आपने नहीं खाया है तो उसको ना ही खाना बेटर ऑप्शन है। काफी लोग ये सोचते हैं कि फ्रूट जब ठंडा हो जाएगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा, तो उसके लिए आप बिना कटा हुआ वाटरमेलन पहले से ही फ्रिज में रख दें। अगर आप वाटरमेलन को काट के फ्रिज में रखते हैं तो उसको खाने का कोई फायदा नहीं होता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कटे हुए वाटरमेलन के अंदर, कटे हुए तरबूज के अंदर बैक्टीरिया पैदा होने लगता है, जो आपकी बॉडी में जाकर आपको सिर दर्द दे सकता है, वॉमिटिंग दे सकता है, प्लस आपका पेट भी खराब कर सकता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए।